Hey guys, this is Aman Tilak, presently pursuing second year MBBS at AIIMS New Delhi. So, पिछले session में आपने maximum जिस comment पे like था, वो ये था कि next session में आप बताइए कि जो assertion reason questions हैं, AIIMS में जो specifically आते हैं, उनको कैसे deal करें, उसको attempt करने के लिए क्या strategy होनी चाहिए, और उसमें हम लोग कैसे अच्छे से अच्छे marks लाएं. So, this session में मैंने बहुत plan करके बनाया है कि अब जो time बहुत कम बचा है AIIMS के लिए. So, अब AIIMS में हम लोग assertion reason में कैसे maximum score करें, and what I am telling is कि आपने अगर जो मैंने अभी बताया, ठीक है, इसको पिछले साल भी लोगों ने follow किया था, जिन लोगों ने personally guide किया था पिछले साल, ठीक है, जो लोगों ने फॉलो किया, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यार आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे assertion reason में, और 40 प्लस मार्क्स भी आ सकता है आउट ऑफ 60 मार्क्स इन assertion reasoning, ठीक है. सो सबसे पहले तो यार AIIMS में जो है जो 180 क्वेश्चंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ठीक है, उसमें से जो करीब जो 20 क्वेश्चंस है ईच इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट इज assertion reason. So assertion reason is a very important aspect when it comes to AIIMS examination, ठीक है, and you need to know much about it, because now your ranks and your marks and your merit will be decided by the assertion reason, how you attempt these questions and how much you score in them, ठीक है. So क्या है कि आप उनसे एक चीज पूछ रहे थे, क्या कि नीट में अच्छा नहीं करके AIIMS में अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल होता है, और बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका यही रीजन है कि यार बहुत लोग नीट में अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी होते हैं जो लोग नीट में अच्छा कर लेते हैं, AIIMS में खराब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो assertion reason अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही जीके अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है. सो ये वाली चीज होती है, और इसका कॉन्ट्ररी भी होता है कि जो लोग नीट में तो खराब करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इसलिए AIIMS में वो बेटर कर जाते हैं क्योंकि उनके assertion reason पे ज्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है, और जीके में भी ज्यादा मार्क्स लाते हैं, ठीक है. सो द थिंग इज कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जैसे हम लोग के सामने assertion reason आए, ठीक है, तो देयर आर 60 assertion reason. सो सबसे पहले तो क्या कीजिए कि आपको ये सारे assertion reason एक गो में नहीं करना है, क्योंकि यार इतना मोनोटोनस हो जाएगा, तब गलती होगी ही होगी, ठीक है. सो इसलिए मैंने जो सीक्रेट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर AIIMS का सेशन बनाया था, ठीक है, वो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है. लेट मी समराइज, पहले आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है MCQ, फिर assertion reason, फिर GK, फिर केमिस्ट्री का MCQ, फिर केमिस्ट्री assertion reason, फिर फिजिक्स assertion reason, एंड लास्ट में आपको फिजिक्स का MCQ करना है, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, assertion reason थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द MCQ पोर्शन, ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स assertion reason, माय डियर फ्रेंड, ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द फिजिक्स MCQs जो कि AIIMS में पूछे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स MCQs बहुत मुश्किल पूछे जाते हैं, और assertion reason थ्योरेटिकल होते हैं तो ज्यादा आसान होते हैं इन फिजिक्स, ठीक है. सो हम लोग को कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे assertion reason को अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं इस पे आता हूं, ठीक है. सो सबसे पहले क्या करें आप, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और उससे भी पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जो यूजुअल इंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो ऑप्शन वन होता है, दैट इज कि assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन टू द assertion, ठीक है. ऑप्शन टू होता है कि assertion रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ऑप्शन थ्री होता है assertion इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, एंड ऑप्शन फोर होता है बोथ assertion एंड रीजन आर रॉन्ग, ठीक है. सो दिस इज द यूजुअल ट्रेंड. लेकिन यार क्या होता है कि कभी कभार ये उलट भी जाता है, ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन वन का मतलब हो गया बोथ assertion रीजन आर रॉन्ग, तो यार आपने अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े तो यार आपको आते हुए भी सब गड़बड़ हो जाएगा. तो सबसे पहले और सबसे मेन पॉइंट कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ठीक है. अब देखो मैं जो आपको बता रहा हूं ये यूजुअल ट्रेंड पे बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4 जो मेरा मतलब है उसका यूजुअल ट्रेंड पे, ऑल्दो चेंज हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन वन का कुछ भी मतलब हो सकता है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस आप एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक. अब मैं आता हूं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. तो जैसे कि यार आपके सामने assertion reason आया, ठीक है, सो आपके सामने पहले क्या करो कि यार assertion का आप स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है. तो अब फिर आप सोचो कि यार ये स्टेटमेंट सही है या गलत, दो ही रीजन, दो ही चीजें हो सकती है, सही है या गलत है, ठीक है. अब मान लो कि गलत है, ठीक है, तो सबसे अच्छा तो आपका आंसर वही निकल आया, क्योंकि अगर assertion गलत है माय डियर फ्रेंड्स तो डायरेक्टली आंसर 4 हो जाता है, ठीक है. अगर assertion को गलत लग रहा है, ठीक है, तो आप रीजन को एक बार पढ़ो, वो भी गलत ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता assertion रॉन्ग है रीजन करेक्ट है, ठीक है.
तो assertion आपका गलत है, तो the answer is definitely option number 4. बस यू हैव टू कंफर्म इट बाई रीजन. सो ये सबसे स्कोरिंग होता है, अगर 4-4 है, 4 ऑप्शन इज द मोस्ट स्कोरिंग. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि अगर assertion करेक्ट हो गया, तो अगर assertion करेक्ट है तो हम लोग के 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 1, 2 and 3. ठीक है, तो अब पहले आपने assertion का स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद उसके आगे खुद से अपने माइंड में आप लगा दीजिए बिकॉज या लगा दीजिए ड्यू टू. ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में खुद से वो मतलब कि जो उसका आंसर होगा, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या आंसर होना चाहिए. जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन ही वो हो सकता है एनसीईआरटी में ही लिखा हो, कहीं और लिखा हो, ठीक है, या फिर किसी और चैप्टर से भी रिलेट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एनसीईआरटी से आता है. ठीक है, तो आप उसको रिलेट कीजिए कि यार ड्यू टू लगाइए, बिकॉज लगाइए, एंड उसमें सोचिए क्या होना चाहिए रीजन. ठीक है, अब इसके बाद आप पढ़िए रीजन को, पढ़िए अच्छे से. ठीक है, अब रीजन क्या हो सकता है, तो सही हो सकता है, गलत हो सकता है. ठीक है, अगर गलत है रीजन तो बहुत आसान, अगर आपको पता है कि assertion सही है, रीजन गलत हो गया, तो हम लोग का डायरेक्टली ऑप्शन हो जाता, आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो प्रीटी इजी. अब हम लोग आते हैं कि मान लो कि आपको assertion सही लगता है, फिर आपने रीजन सोचा उसका, अब रीजन भी आप पढ़ते हो तो यार आपको सही लगता है, अब कंफ्यूजन आता है. जो मेन कंफ्यूजन आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में. ठीक है, तो वो होता है कि यार क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है, क्या ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, तो यार ये कंफ्यूजन होता था, हम लोग को भी कंफ्यूजन होता था इसमें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड अब क्या करना है हम लोग को कि मान के चलो कि आप पहले तो यार आप ड्यू टू और बिकॉज ला के आपने सोच लिया. ठीक है, अगर क्लियर कट वो मैच कर जा रहा है तो आपका आंसर 1 हो जा रहा है. ठीक है, और आपका बिल्कुल ही डिफरेंट अनरिलेटेड से स्टेटमेंट है, मान लो बिल्कुल अलग ही चैप्टर से, कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों सही है, तो आपका आराम से रीजन 2 हो जाता है. प्रॉब्लम तब आती है जब यार क्लोज होता है. ठीक है, मतलब assertion जो होता है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्या ये रीजन assertion का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. तो यार इसमें क्या करो कि यार थोड़ा सा टाइम दो ऐसे वाले क्वेश्चन को. ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दो, बस थोड़ा सा सोचो कि एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाहता है हम लोग का. आप कोशिश करो समझने की क्या एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहा होगा कि उसने जब ये क्वेश्चन बनाया. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको 1 और 2 में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसको ज्यादा टाइम दो थोड़ा सा. ठीक है, एज कंपेयर टू दोस क्वेश्चंस जिनमें 3 या 4 आंसर हो. ठीक है, या फिर आपका डायरेक्टली और जो मैंने चीजें बताई ऑप्शन 1 है, ठीक है, और डायरेक्टली एक्सप्लेन हो जा रहा है, या फिर ऑप्शन 2 है और अनरिलेटेड स्टेटमेंट है, वो वाले तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस डालो, और ये 1 और 2 में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम देके, अभी जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप ये चीज प्लान करो कि कैसे, मतलब कि क्या एग्जामिनर का माइंडसेट होगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये बताया पूछा गया है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं. ठीक है, सो वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, अब जो हम लोग एग्जामिनर है, ये हम लोग का इसमें ये तो टेस्ट नहीं करना चाह रहा है ना कि मल्टीप्लीकेशन हम लोग का ठीक होना चाहिए. ठीक है, कि 6.022 ही से मल्टीप्लाई करें, वो हम लोग को चाह रहे हैं कि हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कि नहीं, कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है, एंड नंबर ऑफ मोल्स में जितनी एंटिटीज होती है एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट होती है, तो इनटू एनए जो होगा. ठीक है, दैट विल बी द आंसर. तो कभी कभी ऑप्शंस में भी देखेंगे इनटू एनए करके लिखा होता है. ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एनए, क्योंकि वो आपका मल्टीप्लीकेशन स्किल्स थोड़ी ना चेक करने की कोशिश कर रहा है. सो अकॉर्डिंगली यार आप खुद से यार सोचो कि यार एग्जामिनर क्या सोचा होगा. ठीक है, और उसकी अकॉर्डिंगली आप आंसर करने की कोशिश करो. ठीक है, और ये चीज तो बिल्कुल याद रखना कि जैसा मैंने इनिशियली बताया, सारे क्वेश्चन साथ में मत अटेम्प्ट करना. वो वाला मेरा पीछा जो सेशन है, ठीक है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ऑन एम्स, वो जरूर देखना. ठीक है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, आपको भी डेफिनेटली होगा. ठीक है, एंड व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अभी जो है, अभी यार बस अब एम्स के लिए फोकस करो. ठीक है, जो लोग एम्स दे रहे हो, ठीक है, अच्छे से फोकस करो. ठीक है, एम्स के बाद हम लोग डेफिनेटली मिलते हैं. आई एम कमिंग टू योर सिटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड माय रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. ठीक है, और 15 मेजर सिटीज है जहां पर मैं आ रहा हूँ, तो आप नीचे चेक कर सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वहां पर आपने अगर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है, करा सकते हैं. हम लोग डेफिनेटली मिलते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि MBBS में कौन सा कॉलेज लेना चाहिए और कैसे हम लोग को आगे क्या प्रोसीड करना चाहिए. ठीक है, सो दैट आई डेफिनेटली डू. एंड वन मोर थिंग विच आई एम टेलिंग इज कि यार अब से, आज से मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं रेगुलरली माइंड मैप स्पेसिफिकली फॉर एम्स डाल रहा हूँ.
ठीक है, जो जो जैसे मैंने टॉपिक्स बताया जो हाई यील्डिंग है एम्स के रिलेशन में, ठीक है, सो आई एम पुटिंग देम, डू सी देम। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ज्वाइन कैसे करना है, पहले टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसमें बस आप सर्च जो होता है, ठीक है, अपना अकाउंट बना के सर्च कीजिए, मेरा नाम अमन तिलक आप सर्च कर लीजिए, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली जो यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उस पर क्लिक कर दीजिए तो वैसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो आई डू होप कि आपने ज्वाइन कर लिया, नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड यार ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़िए एंड पूरा अच्छे से यार अभी प्रिपरेशन करने का टाइम है, ज्यादा कुछ मत सोचिए, ठीक है, एंड वील डू वेरी गुड, ठीक है। जीके और वो जो हम लोग का पोर्शन मेंटल एबिलिटी, उसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज आप एक वन टू वन एंड हाफ आवर्स उसको भी डिवोट कीजिए, ठीक है। सो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। एंड डू वॉच माई प्रीवियस 3 या 4 सेशन जो मैंने बनाए हैं एम्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए, उसको देखिए, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एम्स अच्छे से करके आते हैं, उसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।